हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जग्या एंड आज मैं बनाने वाली हूँ DIY स्टिकर ऑर्गेनाइज़र। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए एक पॉलीथीन, सीजर्स, डबल साइड टेप एंड सेलो टेप। तो अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले जो पॉलीथीन है उसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो उसे अच्छे से प्रेस करके कर लेना है, जिससे उसकी लाइन आ जाए। जब कट करें तब वो अच्छे से कट हो जाए। तो अभी मैं उसको कट करने वाली हूँ जहाँ से मैंने उसको फोल्ड किया है। तो अभी मैं बस इसको काट रही हूँ। और आप अगर चाहें तो इसको घर में पड़ी हुई पॉलीथिन्स तो आपको मिल ही जाती हैं। घर में पॉलीथिन्स तो होती हैं, तो किसी भी पॉलीथिन से बना सकते हैं। तो अभी देखो मैंने काट लिया है, तो उसका सिर्फ एक पीस चाहिए। अगर आपको और बनाना है तो आप पूरे का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को अभी एक ही बनाना था क्योंकि बाकी मैंने पहले ही बना लिए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ। इसको ऐसे फोल्ड करके इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर थोड़ा ऊपर से काटना है, जिससे कि जब फोल्ड करें तो वो मतलब फोल्डेबल हो जाए, मतलब जब स्टिक करते हैं ना उस टाइप से। तो अभी यहाँ पर मैंने इसे काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से मतलब इस टाइप से है, दो जगह से खुला है। तो एक जगह से, जिस जगह से खुला है उसको हमें सेलो टेप से कवर करना है, जिससे कि जब कुछ हम इसके अंदर रखें तब वो गिरे ना। तो अभी मैं यहाँ पे एक मोटी वाली सेलो टेप आती है उससे कवर कर रही हूँ, इसे टेप कर रही हूँ। तो अभी मैंने काट लिया है। अब बस मैं इसको स्टिक कर रही हूँ उसके ऊपर। ऐसे करना है हाफ साइड करके और इस साइड से, और जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा हो वहाँ पे टीथ निकल रहा हो उसे काट देना है। और फिर जहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर का हमने गैप छोड़ा था वहाँ से भी काट लेना है, जिस साइड से कटा नहीं है। मेरी ऑलरेडी एक साइड से कटा हुआ था तो मैंने दूसरी साइड से काट लिया है, दूसरी साइड से भी। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये दो हैं, तो इनमें से ना एक को ऊपर से 2 से 3 सेंटीमीटर वाले पार्ट को काट लेना है, एक को। तो अभी यहाँ पे मैंने काट लिया है इसे। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप घर के किसी भी चीज़ को पड़े हुए आप इसको बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इसे काट लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है डबल साइडेड टेप, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे इसके काट के मैंने 2 साइड पे चिपकाया है। तो अब यहाँ पे मैंने एक चिपका दिया और दूसरी साइड भी चिपका रही हूँ मैं। तो अब जो मेरे को इसके अंदर रखना है, तो जैसे मेरे को अभी इसके अंदर स्टिकर्स रख रही हूँ, तो मैंने स्टिकर्स पहले रख लिए। और अगर आपको नहीं पता कि मैंने स्टिकर्स की वीडियो डाली है तो आप मेरे चैनल पर जाके देखो, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने स्टिकर्स कैसे बनाए हैं। और यहाँ से डबल साइड टेप का वो ऊपर का प्लास्टिक वाला हटा के इसको स्टिक कर देना है। यहाँ पे मैंने वॉशी टेप ली है, और अगर आपको नहीं पता कि वॉशी टेप कैसे बनाते हैं तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने जनरल सेट के साथ, तो वहाँ से आप देख सकते हो जाके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने चिपका दिया है डबल साइड टेप। तो अब यहाँ पर हमारा बन गया है, और ये इजीली खुल भी जाएगा और इजीली बंद भी हो जाएगा। तो बस के अंदर से आप कुछ भी चाहो, जैसे छोटी मोटी चीज़ें, पेपर की, वो सब रख सकते हो, तो आराम से इसमें फिट हो जाएगी।
तो यहाँ पे मैंने पहले से ही अलग अलग साइजेस के बना लिए थे। वैसे कुछ तो मतलब सेम ही साइज़ के हैं, बट एक दो हैं जो अलग साइज़ के हैं। एक सबसे बड़ा वाला बनाया है मैंने, और दो मैंने छोटे छोटे बनाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।